मैं सबसे पहले आई एम नागपुर की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर कैंपस आज यह हमें देखने को मिला और आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से इस कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक रिकॉर्ड स्पीड में हमारी नागपुर आईएम की टीम ने इस काम को पूरा किया है और इसलिए निश्चित रूप से हम सब मिलकर उनको बधाई देते हैं, साथ ही में फैकल्टीज़ को और स्टूडेंट्स को भी हम सब मिलकर बधाई देते हैं। भारत के दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल पहले एक सपना देखा, भारत में वैश्विक मानव संसाधन तैयार हो, और वैश्विक मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमारे युवाओं को अवसर मिले, इसलिए देश की जो आइकॉनिक नेशनल इंस्टीट्यूशंस थी उसके विस्तार का निर्णय उन्होंने लिया और उसी निर्णय के तहत महाराष्ट्र को भी एक आईएम मिलेगा, इस प्रकार की घोषणा तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी जी ने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी सपने को नागपुर और विदर्भ में साकार करने का निर्णय आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में हम सबने लिया और मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे मौका मिला तो नितिन जी से चर्चा करके हमने ये आईआईएम नागपुर में हो इसका प्रस्ताव भेजा। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि आईआईएम नागपुर में मंजूर होने के बाद कुछ लोगों ने इस पर विवाद भी किया, किसी ने कहा औरंगाबाद का प्रस्ताव था, किसी ने कहा नासिक का प्रस्ताव था। प्रस्ताव केवल एक ही गया था और वो नागपुर का ही गया था और नागपुर के ही प्रस्ताव को मान्यता मिली। और सबसे पहले नागपुर ने ही आईएम को शुरू किया। 2015 में तकरीबन जुलाई में बीएनआईटी में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद तुरंत यह जमीन करीब 150 एकड़ हमने नागपुर के आईएम को उपलब्ध कराई और प्रधानमंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन हुआ और रिकॉर्ड समय में एक स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार की बिल्डिंग यहां पर तैयार हुई और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि नए भारत की जो कल्पना है उस कल्पना को प्रत्यक्ष रूप में लाने का काम नागपुर आईआईएम इस बिल्डिंग के माध्यम से कर रहा है।